एक ही बंदे से मेरी बहस हुई, एक ही बंदे से मेरा तनाव रहा, ना मैंने थप्पड़ मारा ना मैंने गला दबाया। यहाँ पे आकर वो बात करता चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैंने अपने भाई का स्टैंड लिया, उसको मैंने पूछा, मनारा ने ये तक मेरे को बोल दिया था कि ये बहुत बदतमीज इंसान है, ऐसा बंदा नहीं देखा मैंने। घर के अंदर जब से आया है सब लड़कियों से बदतमीजी कर चुका है, आपको तुरंत बाहर आना पड़ेगा। तो मतलब मेरे को झटका लग गया था, मैं सर से कुछ बोल ही नहीं पाया। बिग बॉस 17, एक और हफ्ता एक और एविक्शन, लेकिन इस बार एविक्शन ऐसा हुआ है कि लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो एविक्शन। सबसे पहले सनी भाई, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शिवम भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और जूम की तरफ से जूम टीम को दिल से धन्यवाद जो मेरी बात सामने रखी जा रही है, थैंक यू सो मच। लेकिन सनी भाई, अगर मैं बात करूँ तो लोग आपको एक टैग दे रहे हैं, एंग्री मैन। एंग्री मैन का जो टैग दे रहे, इसको आप कैसे देखते हैं? एंग्री मैन, मैं आपको कुछ कम शब्दों में क्लियर कर देता हूँ, गुस्से वाला इंसान सबसे झगड़ता है। और जो गुस्सा होता है ना, वो कभी भी कहीं भी निकल जाता है, किसी के ऊपर भी निकल जाता है जी। लेकिन जब पूरे बिग बॉस के घर के अंदर 17 लोग हैं, मेरा सिर्फ एक ही बंदे पे गुस्सा निकला, एक ही बंदे से मेरी लड़ाई हुई, एक ही बंदे से मेरी बहस हुई, एक ही बंदे से मेरा तनाव रहा, 16 के साथ तो मैंने कलेश नहीं करा। 16 के साथ तो मेरे, आप सारे उठा के देखो एपिसोड, मेरा अनुराग से हुआ, 1 घंटे में 16 हो गया। इसके अलावा मैंने हर लड़की को मैंने बहन बोला और प्यार से बात करी, तरीके से बात करी, झगड़ा तक नहीं हुआ। आप ये कह सकते हो 100 में से 2% भी झगड़ा नहीं हुआ। तो एंग्री मैन का टैग कैसे आ सकता है? पहली चीज़ तो ये, एंग्री मैन का टैग वहाँ आ सकता है जो हर बंदा भाई इस लड़की से भिड़ रहा है, इस लड़की से भिड़ रहा है, उससे भिड़ रहा है, इस मुद्दे पर झगड़ रहा है। अब मेरे सारे एपिसोड उठा के देखो, कॉमेडी करता दिखूँगा आपको मैं, प्यार से बात करता दिखूँगा, तमीज़ से बात करता दिखूँगा, और मोहब्बत के साथ सबको कोशिश करूंगा कि भाई सब साथ में रहें। लेकिन एंग्री मैन का टैग जो कुछ लोगों ने दिया, मैं उनको बोलूंगा भाई हाथ जोड़ के विनती है, इस तरीके से टैग मत दो, क्योंकि एंग्री मैन होता है हर चीज़ पे, हर घंटे में झगड़ना, झगड़ा करना, हरकतें करना, उटपटांग की बातें करना, जो कि आप टैग देख सकते हो अभिषेक को। घर के अंदर जब से आया है सब लड़कियों से बदतमीजी कर चुका है, यहाँ पे आकर वो बात करता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एग्रेशन उसके देख सकते हो आप, किस तरीके से वो गुस्सा निकालता है, कैसे वो चीखे मारता है, तो अटैक तो उसको जाना चाहिए। आपसे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि एग्रीमेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वैसे ही होता है? एपिसोड खोल के देखो आप, अगर आपको मैं कहीं देख जाऊँ किसी लड़की से बदतमीज करता हुआ, चीखे मारता हुआ, मैं नहीं दिखूँगा आपको, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी भाई ये टैग दे रहा है, जिसने भी ऐसी वीडियो डाली, इसको तुरंत वहाँ से टाइटल को चेंज किया जाए, ऐसा मेरा मैटर नहीं है। मैं जनता को हंसाने आया था और मेरी कोशिश थी मैं तरीके से गेम खेलता अपने भाई के साथ, और मैंने अपने भाई का स्टैंड लिया, क्योंकि अभिषेक लगातार मेरे भाई को टारगेट कर रहा था, चाहे वो 15 दिन पहले का मैटर उठा लो, सना से मेरे भाई की बहस चल रही है बीच में आ जाना, लेटेस्ट उठा लो, ईशा से मेरे अरुण भाई की बहस चल रही है फिर बीच में आ जाना, तो वो बीच में आ सकता, मैं क्यों नहीं आ सकता? मैंने अपने भाई का स्टैंड लिया, उसको मैंने पूछा क्या तू हरकत दोबारा करेगा ऐसी, उसने बोला करूँगा, तब जाके मैंने उसकी कॉलर पकड़ी, उसको मैंने पुश किया, ना मैंने थप्पड़ मारा ना मैंने गला दबाया। इस शो के अंदर तो अनुराग ने मेरे अरुण भाई को ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ऐसे मारा, तो वो एक भयंकर गुस्सा है ये सब करना, ये सब तो मैंने करा ही नहीं। और इतनी सी चीज़ पे अगर मेरे को करण सर कहते तहलका, आपको तुरंत बाहर आना पड़ेगा, तो मतलब मेरे को झटका लग गया था, मैं सर से कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं सलमान सर भी होते तो मैं तुरंत कहता सॉरी सर, ओके, मैं सर की बात को नहीं काट पाता, ना ही मैं सर के आगे कुछ बोल पाता। सर का डिसीजन है, बिग बॉस का डिसीजन है, मेरे को मानना पड़ता, बहस नहीं करता मैं। लेकिन मैं यहाँ भी निकला हूँ ना, मैं आज आपको दिल से बता रहा हूँ, बिग बॉस का दिल से धन्यवाद है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरे को इतना बड़ा नाम दिया, सलमान सर ने मेरे को हमेशा ग्रो करा, तहलका जल्दी सनी पाजी की आवाज़ निकाल, सनी लियोनी मैडम से डायलॉग बुलवा, तहलका अपनी तहलकिस्तानी भाषा बोल, तो ये तो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगा, इतना बड़ा तोहफा है सर, पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगा मैं इस सलमान सर का, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सलमान सर, आपने जितना प्यार दिया ना, थैंक यू सो मच है, लव यू है सर। अगर ये मौका मेरे को दोबारा मिला जी, तो मैं ये गलती धक्का मुक्की वाली कभी नहीं करने वाला, और मैं तहलका इतना तगड़ा मचा के आऊँगा, पता लग जाएगा अंदर के बंदे को, भाई शेर को जगा दिया। पिछली वीकेंड के वार की अगर हम बात करें, तो सलमान सर जहाँ थे उसमें अभिषेक को आपने काफ़ी रंग लगा दिया, आपने कहा कि लड़कियों से बदतमीजी करता है, लेकिन सलमान सर से भी सपोर्ट नहीं मिला आपको, और कंटेस्टेंट से भी सपोर्ट नहीं मिला उसमें। आप बताओ क्या लड़कियों से बदतमीजी नहीं करी उसने? आपने भी क्लिपें देखी होंगी ना,
मैंने ये सवाल इसलिए करा था, बस मेरे से मिस्टेक होगी, मैंने ये बोल दिया लड़कियों के साथ बदतमीजी करता, जबकि 7-8 दिन पहले ही मनारा के साथ उसने बहुत बदतमीजी करी थी। मनारा ने ये तक मेरे को बोल दिया था कि ये बहुत बदतमीज इंसान है, ऐसा बंदा नहीं देखा मैंने। वो बहुत परेशान भी हुई थी, रोई भी थी, वो शायद रोई थी वो। दूसरा खानजादी से बहुत बदतमीजी करी थी उसी 10 दिन के अंदर ही। तो मैंने वो दो नाम मेरे माइंड में चल रहे थे, जो दोनों लड़की ने मेरे को आके बताया था कि सन्नी इसने हमारे से बदतमीजी करी है। मैंने लड़कियां जो बड़ी उसका उसमें सारी लड़कियों, सलमान सर अपनी जगह ठीक थे कि मैंने लड़कियां जो बड़ी इस्तेमाल करा कि सर को अपनी जगह लगा सबसे सवाल पूछना चाहिए, और वो दो लड़कियां भी चुप होगी उस टाइम पे, वो दो लड़कियां भी चुप होगी उस टाइम पे। लेकिन हाँ, कुछ लड़कियों ने बोला कम पहले से कम है, पहले से कम है, लेकिन डंके की चोट पे ये कहना चाहिए था कि हाँ सर ये करता है। ऐश्वर्या के साथ 25 दिन पहले बहुत गंदी लड़ाई हुई, इतनी गंदे तरीके से बदतमीजी करी बंदे ने, ऐश्वर्या नहीं बोली। तो इसका मतलब क्या समझते हो आप कि वो सर के आगे बोल नहीं पाई, अपनी बात रख नहीं पाई? यार बोलो तो डंके छोटे, बोलो ना हाँ करता है बदतमीजी। 7-8 दिन पहले का तो मनारा का मैटर था, 8 दिन पहले मनारा के सामने चीखा था वो, कलेश किया था उसने, और मनारा ने मेरे कान में आके बताया था। वो तो मेरे चले, एक बंदा सलमान सर के आगे कह रहा तो झूठ तो बोलेगा नहीं। सर क्या, मैंने दिल की बात रखी, सलमान सर सर अपनी जगह ओके रिपोर्ट है, वो सवाल पूछ रहे बताओ भाई, वो बताने को तैयार नहीं जी। अगर मैं बात करूं यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स की, जो पिछले सीज़न OTT में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, अभिषेक और एल्विश ने जो सेट किया था, आपके अच्छे दोस्त हैं एल्विश, जो मेरे लव कटारिया से अच्छा मेरा जी, जी। एल्विश से मेरी हाँ लव है जी, लेकिन फिर भी जो यूट्यूबर ही हैं वो राइट, और उन्होंने इतना बड़ा मार्क सेट किया था, तो क्या लगता है कि उसमें थोड़ी सी चूक हो गई आप लोगों से? नहीं, मैं ये तो नहीं मानता कि इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भेदभाव किया जाता है। मेरे हिसाब से इस प्लेटफॉर्म पे सब बराबर हैं, चाहे वो TV हो चाहे वो इंटरनेट हो। और मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे को बहुत पंप दिया गया, तहलका वो कर, तहलका ये कर, तहलका ये कर, तो एक तरीके से बहुत बड़ा पंप है। और मेरे को हर चीज़ में एक फील आई कि भाई मेरे को कुछ बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। और अनुराग का मैटर आपको बता देता हूँ, उसको जब जब सर ने कुछ बात बोली समझाया, उसने नेगेटिव लिया, तो वो उसकी सोच कहती है कि उसने नेगेटिव लिया, जबकि मैंने उसको बताया कि सलमान सर तेरे को प्यार दे रहे, इसको पॉजिटिव ले, तो नेगेटिव वो होता चला गया। और ये चीज़ नहीं है मेरी नज़र में, मेरा दिल भी नहीं कहता कि ये यहाँ पर भेदभाव वाला मैटर है कि यूट्यूब और उससे जोड़ा जाए, नहीं बिल्कुल नहीं कह सकता मैं। अच्छा, एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है विक्की भैया और सना की, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सनी? हाथ वाला मैटर देखो, मेरे सामने तो खुलेआम हुआ नहीं था, मेरे को तो करण सर जब वीकेंड के वार पे आया तो उन्होंने बताया था कि हाथ वाला मैटर इन दोनों का, जबकि मेरे माइंड में जो इमेज सेट थी वो मुनव्वर और सना की थी। लेकिन एक हाथ पकड़ना नॉर्मल एक बात आप कह सकते हो, वो एक वायरल हो गया होगा मैटर कि भाई अंकिता मैडम आसपास नहीं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन वो उनका नेचर है, उनका स्वभाव है, बहुत प्यारा नेचर है, सबसे वो प्यार से बात करते हैं। लेकिन एक किस तरीके से हाथ पकड़ा हो मैंने वो भी नहीं देखा, मैं कैसे ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊँ तो वो नहीं कर पाऊँगा मैं जी। मेरी नज़र में वो इंसान सबसे बात करता, सबसे प्यार से बात करता, पूरे घर को साथ लेके चल रहा था वो, लेकिन कुछ चीज़ों में वो अटक गए, तो अब पूरा घर उनके खिलाफ हो चुका है, 4-5 लोग ही हैं जिनसे वो बात करते हैं और बाकी लोग उनसे बात नहीं करते। विक्की और अंकिता की रिश्ते की बात करूं मैं, तो बाहर उन्हें जब देखा जाता था, कहीं स्पॉट किया जाता था, तो बहुत ही प्यार से रहते, लेकिन घर के अंदर आने के बाद उनका जो रवैया था टुवर्ड्स ईच अदर वो कम्प्लीटली डिफरेंट था, अगर बाहर से हम कंपेयर करें तो। देखो, विक्की भैया पूरे गेम के अंदर घुस चुके थे, वो भूल गए थे कि मैंने एक बार मस्ती में ताना ही मारा था, मैंने कहा अपनी वाइफ को 24 घंटे में से 38 मिनट देते हो आप, तो इस टाइम पीरियड को बढ़ा लो, नहीं तो रिश्ता बचेगा नहीं। टास्क था वो दिल वाला, जिसपे जैसे छुरा मारना था, तो मैंने उनको बोला था कि ये सब चीज़ें मत करो, क्योंकि मैंने खुद अंकिता मैडम को, अंकिता बहन को नाराज होते हुए देखा है और ये सुनते हुए देखा, मेरे से बात नहीं करते आप, मेरे को समय नहीं देते। तो ये अंकिता जी को नहीं, पूरे घर वालों को लग रहा था कि भाई समय नहीं दिया जा रहा बीवी को। और जब ऐसा समय सामने आ चुका है कि अब घर वाले, आपको मैंने बताया कि पहले वाला मैटर नहीं है कि झुंड का हिस्सा बने रहे हैं, वो कई जगह खटक चुके हैं, तो अब अंकिता जी को प्रॉपर समय दे रहे हैं जी। अंकिता ने कुछ बार सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया शो में। मैंने नहीं सुना अंकिता जी की वाली बात जो आप बता रहे हैं, तो आपके मुँह से पता लग रहा है, ये ध्यान नहीं दिया मैंने इस टॉपिक पर जी जी। लेकिन क्या लगता है कि नील और ऐश्वर्या की मैं बात करूं तो उनके रिश्ते के बारे में क्या कुछ कहना है आपको, क्योंकि नील थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं ऐश्वर्या के सामने, क्योंकि ऐश्वर्या जिस तरीके से एग्रेसिवली अटैक करती है, कभी कभी बोलती है कि यार डोंट टच मी व्हेन आई एम फाइटिंग, ये बात तो सलमान सर ने भी नोट करी थी कि ऐश्वर्या जी जिस तरीके से बात करती हैं वो थोड़ा एक तरीका ठीक नहीं है, ऐसी बीवी को बात नहीं करनी चाहिए। और ये बात एक बात और सही है कि ये जो आपने बात रखी कि नील बहुत शांत हैं, नील सच में इस गेम के अंदर बहुत शांत हैं और वो ज़रा समय टिक नहीं पाएंगे अगर ऐसी मैटर चलता रहा तो। जोड़ी अच्छी है, प्यार करते हैं, वो अलग मैटर है, गेम का पर्पस अलग होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं।
और नील भाई साहब का बैटर बहुत डाउन चलता जा रहा है और अगर ऐसे ही रहे तो वो जल्दी निकल जाएंगे बाहर। जी अच्छा, समर्थ और ईशा की मैं बात करूं तो ये बहुत ही यू नो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि समर्थ और ईशा जो किस करते हैं, जो सारी चीज़ें करते हैं, वो रूल्स के अगेंस्ट है क्योंकि ये हिंदुस्तान का शो है, फैमिली देखती है साथ में। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। ये परिवार फैमिली देखती है, बड़े देखते हैं, छोटे बच्चे देखते हैं, एक अलग प्रभाव पड़ता है। नॉर्मल एक लिमिट समझ आती है, एक बार दो बार नॉर्मल चिक्स पे किस कर ली, लेकिन मेरे को भी एक दो बंदों ने और बताया कि भाई इनकी एक दो तीन क्लिप वायरल हो रही है, तो मेरे को भी अजीब लगा सुनकर। मेरे ख्याल से इनको अपने एक दायरे में रहना चाहिए। भारत का नंबर वन शो है, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। अगर ये इसको भूल रहे हैं और ये सब चीज़ें चल रही हैं तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। राइट, अच्छा मुनव्वर और मनारा के गेम के बारे में क्या कहना है? जो सबसे ज़्यादा लोग जिस बारे में बात करते हैं, मुनव्वर और मनारा। मुनव्वर अपनी गेम बहुत तगड़ी खेल रहा था, लेकिन अब मनारा का उसको साथ मिला है, लेकिन मनारा के साथ में उसको दिक्कत आ सकती है क्योंकि मनारा कंफ्यूज रहती है बड़े लेवल पे कि भाई मेरे को क्लियरिटी चाहिए रिश्ते के अंदर, मेरे को सब कुछ क्लियर चाहिए, मेरे सपोर्ट में रहो, मेरे साथ में रहो। जब एक इंसान तगड़ा खेल रहा हो और एक ऐसी दोस्ती सामने आ जाए, एक ऐसा दोस्त मिल जाए, तो बंदा हल्का सा भटक सकता है। तो उन मुनव्वर के लिए भटकना नज़दीक हो सकता है। अगर वो समझ जाएगा तो थोड़ा सा हल्का सा गैप बना लेगा, नहीं तो मैटर उसका ख़राब हो जाएगा। जी जी, अच्छा ये बताइए, जाते जाते ये जानना चाहेंगे कौन विनर का हकदार है और आपके हिसाब से, और टॉप थ्री में किसको देखते हैं? टॉप थ्री में विक्की भैया आ जाएंगे और मुनव्वर आ जाएगा, और तीन में और दो में मेरा भाई भी आ सकता है, अरुण जीत भी हासिल कर सकता है। जो मैंने अभी अपने भाई को 7-8 दिन में देखा, मुद्दे उठाते हुए, बहस करते हुए और अच्छे मुद्दे उठाते हुए, अच्छी फाइट करते हुए, तो अगर मेरा भाई ऐसे ही रहा तो जीत के नज़दीक होगा, आसपास होगा। और एक बात और बार बार खटकती है, बार बार दिल दुखता है मेरा, एक ही बात उसने मेरे को लगातार बोली थी कि तेरे जाने के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, घर में शांत रह जाऊँगा। और ये एक बार नहीं, कई बार उसने मेरी मतलब एक सामने कसम भी खाई, छोटे नहीं रह पाऊँगा और बड़े भाई नहीं रह पाऊँगा, ये मेरी बात को मान। तो मेरे को इस बात का बहुत डर है, बहुत डर सताता है बार बार कि वो जो मैं जब टीवी देखूँगा कल या परसों जो चीज़ सामने आएगी, अगर कुछ खुल गया तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि वो जीत के नज़दीक पहुंचेगा, अगर नहीं खुला तो छोटा भाई बाहर आ सकता है। जी, थैंक यू सो मच सनी तहलका भाई फॉर टॉकिंग टू अस, ऑल द वेरी बेस्ट। बिग बॉस ने मेरे को जो तोहफा दिया है पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगा, मेरे को बिग बॉस ने दिया अरुण भाई अनमोल तोहफा, धन्यवाद बिग बॉस का, कभी भूल नहीं पाऊंगा इस तोहफे को मैं, थैंक यू सो मच। जी अच्छा, हमने देखा कि कुछ चीज़ है जो आपने, प्लीज़ दिखाइए हमें ये अनमोल प्यारी सी चीज़। ये मैंने एक लव लेटर लिखा था अपने प्यारे अरुण भाई के लिए बिग बॉस के अंदर, कि बिग बॉस में जीतने आया था मैं, जीत की जो खुशी होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी मेरे को शो एंट्री करती मिल गई, वो ऐसे कि मेरे को मिल गया बिग बॉस में अनमोल तोहफा, और वो तोहफा है मेरा अरुण भाई। एक तो होती है 10 साल की दोस्ती और ये है सिर्फ कुछ दिनों की दोस्ती। बिग बॉस को दिल से धन्यवाद, अगर आपके शो में नहीं आता तो मेरे को ये प्यारा भाई नहीं मिलता। आई लव यू, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, भाई के लिए एक लाइन तो बनती है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हम जय वीरू की जोड़ी से कम नहीं है। बिग बॉस के इस शो में हम एक दूसरे को इतना प्यार करने लगे हैं, ऐसा लगता है कि हम ऐसा लगता है कि मेरे को मेरा भाई मिल गया हो जो मेरे को कुछ साल पहले छोड़ के गया था। थैंक यू सो मच बिग बॉस, लव यू, थैंक यू सो मच गॉड, अरुण भाई लव यू। क्या बात है, थैंक यू सो मच सनी भाई फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू सो मच।